फालतू की जो चीज चल रहा है, पवन भैया या हमारे खेसारी भैया के को लेके इतना फालतू का लोग कचड़ा कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा तुम है? देखो ना कि तुम भी कितने कॉन्शियस हो कि जब पवन भैया का नाम आ रहा है तो तुम पवन बोलने के बाद भैया बोल ही रहे हो। भैया तो हम वो इनहेरेंट है ना नेचर में, क्योंकि तुमको ये कभी नहीं बताया गया कि प्रभाकर सुनो ना। खेसारी भैया और पवन भैया दोनों बड़े भाई की तरह खुल मैं बिल्कुल। लेता हूँ और दोनों की इज्जत मतलब नो डाउट मैं करता हूँ। ऑफकोर्स मैं खेसारी भैया को बहुत ज्यादा मानता हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं उनके लिए काम भी करता हूँ, बिल्कुल। सेकेंड मेरा अटैचमेंट उनसे हो गया है ज्यादा, तो ऑफकोर्स आई मतलब आई लव यू। उनके लिए कोई भी उल्टा पुल्टा बोलेगा तो प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी बिल्कुल। हमको तो आगे पाएगा, क्योंकि ये मेरा जॉब भी है और मैं उनको मानता ही बहुत ज्यादा हूं, तो ये मैं करूंगा ही करूंगा। अगर खुद से आगे बढ़ के गलत बोला तो जिनके लिए मैं काम करता हूं ना उनका कॉल सबसे पहले मुझे आता है, ये चीज को डांटने के लिए और उस चीज को डिलीट करने के लिए। ये मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं और आप सबको ही बता रहा हूं। ऐसा क्यों लोग ज्यादा बार बार बोलने लगते हैं कि विवेक सिंह एग्रेशन में आ जाते हैं, अखिलेश कश्यप एग्रेशन में आ जाते हैं, तो ये कहां तक सही है और कहां? दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप। प्यार अभी हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भैया हैं, विवेक भैया, जो कि हमारे खेसारी भैया के मैनेजर हैं और ऐसे तो भाई हैं हम सब लोग। मैनेजर तो सिर्फ एक पोस्ट दिया हुआ नहीं है। भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपका एक बहुत चैनल बहुत स्वागत है प्रभाकर। प्रभाकर छोटा भाई है अपना, और राइज अप भोजपुरी को प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए, पर। राइज अप बिहार हाँ तो बहुत सारा प्यार दीजिए, और भोजपुरी चैनल ना तो राइज अप भोजपुरी हाँ भी हो गया उसमें, ओके तो इसको ही बना लो और ओके इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, और कहीं गलती करे तो माफ कीजिए। तुरंत नहीं माफ मत कीजिए वहां पे लिखिए, क्योंकि ये हम लोग के टीम का हिस्सा है, घर का आदमी है ये। अच्छा देखिए विवेक भैया, विवाद तो होते ही रहता है, लेकिन विवाद से अभी थोड़ा हटेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे लेते हैं आप? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ, सबसे पहले हम टारगेट यही करेंगे, कुछ यूट्यूबर होते हैं जो फालतू का विवाद करते हैं, आप सबसे पहले पवन भैया को कैसे लेते हैं और खेसारी भैया को कैसे लेते हैं? मैं तो भोजपुरी से मेरा घर चलता है, तो मेरे लिए तो सब कुछ है और मैं बहुत मान सम्मान और इज्जत दिल से करना करता हूँ और करता बिल्कुल चाह मतलब करते रहना चाहता हूँ। खेसारी भैया और पवन भैया दोनों बड़े भाई की तरह खुल मैं बिल्कुल। लेता हूँ और दोनों की इज्जत मतलब नो डाउट मैं करता हूँ। ऑफकोर्स मैं खेसारी भैया को बहुत ज्यादा मानता हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं उनके लिए काम भी करता हूँ, बिल्कुल सेकेंड मेरा अटैचमेंट उनसे हो गया है ज्यादा, तो ऑफकोर्स आई मतलब आई लव यू। बिल्कुल। देखिए यहां पे अभी विवेक भैया ने एक बात कहा, दोनों बड़े भाई हैं, आई एम राइट, दोनों बड़े भाई हैं, और लेकिन इस चीज में विवाद होता है। विवाद क्यों होता है वो भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, विवेक भैया से जानने वाला हूँ। अभी इसमें पवन भैया का एक रिएक्शन आया है, स्टेज शो वायरल हुआ है, और उस स्टेज शो में भी पवन भैया इस बारे में कुछ नहीं कहे, पवन सिंह जी इस बारे में कुछ नहीं कहे। उनको पीछे से आके कहा गया कि आप सोहर गाइए वगैरह वगैरह जो भी गाइए, उसके बाद सारा चीज मजाक में चल रहा था। लेकिन इस बीच में कोई, जैसे अब जिसको बोलेंगे एक तरफ से चमन, उसके आगे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में हम चमन बोल देते हैं, ये लाइव आते हैं महाशय। सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी स्टार के साथ रह रहे हैं, अब मैं तो नहीं जानता कि वो स्टार को ऐसा कहते हैं कि मैं स्टार के साथ रहता हूं, उनके टीम से हूं, और वो लाइव आके गाली गलौज करते हैं, कहां तक सही है? प्रभाकर एक चीज बताओ, आप एक स्टार के साथ रहते हो बिल्कुल। और अगर तुमने ऐसी हरकत की होती तो तुम्हारा स्टार आपके साथ क्या किया होता? बिल्कुल आउट होता है या फिर डांटते समझाते 100% कर करते, दे बिल्कुल और क्या बोलते कि उसको डिलीट डिलीट करो, करो, ये बोलते ना बिल्कुल बनाने के लिए बोल रहे हो चैनल के लिए कि तुम दिल से ये बात बोल रहे हो, नहीं मैं दिल से बोल रहा हूँ भैया, ये 100% है। तो क्या उनको नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था उनको, तो बिल्कुल डांटना चाहिए था और हर जगह से डिलीट माफी भी मंगवाना चाहिए था। करेक्ट, बिल्कुल नहीं हुआ ना, नहीं। बात खत्म, इसमें क्या बोला जाए। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन विवेक भैया एक चीज देखिए, लोग बोलते हैं ना कि अक्सर आप लाइव आते हैं, अखिलेश भी लाइव आते हैं, इस चीज को लेके ज्यादा लोग कंट्रोवर्सी क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हम एज अ, अभी टीममेट नहीं बात करेंगे, एज अ न्यूज रिपोर्टर बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों लोग ज्यादा बार बार बोलने लगते हैं कि विवेक सिंह एग्रेशन में आ जाते हैं, अखिलेश कश्यप एग्रेशन में आ जाते हैं, तो कहां तक सही है और कहां तक गलत है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गलत लेते हैं, बहुत ज्यादा सही लेते हैं। वो लोगों पे डिपेंड करता है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं एग्रेशन पे इसलिए आता हूँ भाई, मैं जिनके साथ हूँ, मैं जिनका नमक खा रहा हूँ, जिनको मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, उनके पे या उनके लिए कोई भी उल्टा पुल्टा बोलेगा
तो प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी बिल्कुल हमको तो आगे पाएगा, क्योंकि ये मेरा जॉब भी है और मैं उनको मानता ही बहुत ज्यादा हूं, तो ये मैं करूंगा ही करूंगा। तो आपको बुरा लगे, हाँ अगर मैं एक चीज और बताता हूं, अगर मैं कोई भी चीज गलत कर रहा हूं या फिर मैंने किसी को बहुत ज्यादा खुद से आगे बढ़ के गलत बोला, तो जिनके लिए मैं काम करता हूं ना उनका कॉल सबसे पहले मुझे आता है ये चीज को डांटने के लिए और उस चीज को डिलीट करने के लिए। ये मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं और आप सबको ही बता। विवेक भैया लास्ट में थोड़ा सा सवाल, एक जो यूट्यूबर हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि लड़वा देना, तुम कर नहीं पाओगे ना बाबू, डांट सुनूंगा नहीं, वो भैया वो अलग बात है, हाँ। वो तो डांट सुनना वो तो मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन इसमें हो जाता है कि फलनावा ने फलनावा को किया। अब मैं आया आपके पास, सपोज कीजिए कि मैं किसी भी सिंगर के पास जा रहा हूँ, कोई भी सिंगर हो, अब मैं उनको छोड़ के दूसरे का सवाल पूछने लगूँ। अब मैं आया आपके पास तो मैं विवेक सिंह हूँ, तो मैं विवेक सिंह के बारे में पूछूँ ना, मैं लोग के बारे में क्यों पूछूँ? समझदारी और ना समझ में अंतर तो है ना, समझदार हो गए हो तुम। हम लोग ऐसे लोगों के साथ रहते कि हम लोग समझदार होना पड़ता है। शादी की उम्र हो गई अब लग रहा है ऐसा। नहीं 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 भैया ऐसी बात नहीं है, कह रहे छोड़िए क्या, लेकिन लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं समझ के करना चाहिए और अपने, हाँ अपने इंडस्ट्री के बारे में अच्छा कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, जिसको भी प्यार करते हैं उसको ढेर सारा प्यार कीजिए। अच्छा एक चीज और याद आया,